नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आप लोग कई तरह के सवाल पूछते रहते हैं, तो आज भी जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और छोटी सी चीज़ पर भी जो है आप लोगों ने सवाल पूछा है, ये मुझे बड़ा ही अजीब लगा। हालाँकि जो छोटी सी चीज़ है बड़े ही काम की है। तो जो हमारी गाड़ी का डोर है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो इंसुलेशन के लिए ये जो आप देख रहे हैं रबड़ लगी होती है, शायद आपको फोकस में नहीं दिख रही होगी, मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस रबड़ को, तो इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। देखिए यहाँ पर होल है, थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है, पूरी रबड़ में होल होते हैं। साथ में जो डोर होते हैं यहाँ पर भी आपको होल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस बारे में जानकारी मांगिए कि ये रबड़ पर होल क्यों दिए गए हैं, और ये अगले डोर पर ही नहीं है, पिछले डोर पर भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये जो होल हैं ये भी जो है दिए गए हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये होल, ये बड़े ही काम की चीज़ है। एक्चुअली जब हमारी गाड़ी बारिश में चलती है तो होता क्या है, बारिश का जो पानी होता है वो डोर के अंदर चला जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हालांकि यहाँ पर रबड़ लगी हुई है जिससे पानी अंदर नहीं जाए, लेकिन फिर भी कॉर्नर से यहाँ से आप देख रहे होंगे तो पानी अंदर जाता है। तो ये जो पानी होता है सीधे डोर पैनल के अंदर चला जाता है, जो कि यहाँ से निकलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो होल है यहाँ से निकल जाता है, और एक होल उस तरफ दिया, दो होल दिए गए हैं, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा भी होल होते हैं। तो अगर ये होल नहीं होंगे तो पानी अंदर ही भरा रह जाएगा, और पानी अंदर भरा रहने से अंदर पूरा रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, समय समय पर आप इनको चेक जरूर कीजिए, बारिश के दौरान जो है इसको आप अच्छे से साफ़ कीजिए, किसी स्क्रू ड्राइवर वगैरह की सहायता से आप इसको साफ़ जरूर रखिए, यानी कि होल जो है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, पानी भरने से रस्ट लग जाएगा। तो इसका तो आपको समझ में आ गया होगा किस लिए दिए गए। अब बात करते हैं इसका। तो अगर दोस्तों ये जो रबड़ है जो कि पानी को अंदर जाने से रोकती है, हवा को अंदर जाने से रोकती है, डस्ट को अंदर जाने से रोकती है, अगर ये होल नहीं होंगे तो जब हम डोर को लगाएंगे तो इसके अंदर की जो एयर होती है ना दोस्तों, वो डोर को जो है लगाते समय बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है। तो इसके अंदर की एयर बाहर निकल जाए, इसलिए ये होल दिए गए हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो अगर ये होल नहीं होंगे तो रबर के अंदर, जैसे कि आपको पता है ये जो है बिल्कुल अंदर खोखली होती है, होल होती है, इस वजह से जो है एयर होती है, तो एयर यहाँ से निकल जाती है और डोर अच्छे से कम एफर्ट के साथ लग जाता है, और ये जो रबर है चारों तरफ यहाँ पर जो है अच्छे से चिपक जाए, इसलिए जो है होल दिए गए हैं। बाकी इसमें जो है और कोई ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है कि ये होल किस लिए है या पर्टिकुलर आपकी गाड़ी में, ये सभी गाड़ियों में होते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लगाएंगे, होल होते हैं तो इसके अंदर की हवा आसानी से निकल जाएगी, जिससे जो है आपको डोर लगाते समय ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और इसकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो